वाहेगुरु। परम सत्कार योग सतगुरां जी, साजी नमाजी, गुरु प्यारी, गुरु सवारी, सात संगत जी, आओ जिन्हें भी आपां बैठे हाँ, कीर्तन आरंभ करन तो पहला सारियां संगतां गुरु साहब जी की असीस प्राप्त करके चौंकड़े लाओ, अखां बंद करके, लक सीधे करके थोड़ा जिहा समां, दो चार मिनट वास्ते गुरमंत्र का जाप करिए, फिर आपां कीर्तन की आरंभता करांगे। जो महापुरशां ने जप तप समागम रखिया है, जरूरी है गुरु घर दीआं कथा कहानियां आपां नूं साढ़े तो पहला बेअंत महापुरखां ने आप जी नूं सरवण कराईआं ने, इतिहास की विचार हो रही है, गुरु शब्द की विचार हो रही है, जिथे इन्ना कुछ कर रहे हाँ उत्थे आपां थोड़े समय वास्ते गुरमंत्र का जाप भी सारे जाने रल मिल के अखां बंद करके बैठो, चौंगड़ी ला के, लक सीधे करके अपनी सुरत नूं गुरु साहब जी के चरणों के विच जोड़ो, तो सारे जाने जपण की कृपालता करो। वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम गज के, गज के वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम
राम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। श्री वाहे गुरु साहेब जी। वाहे गुरु साहेब जी। श्री वाहे गुरु साहेब जी। वाहे गुरु साहेब जी। श्री वाहे गुरु साहेब जी। वाहे गुरु साहेब जी। श्री वाहे गुरु साहेब जी। वाहे गुरु साहेब। We'll be right back.
श्री वाहिगुरु साहिब जी। आए प्रभ शरणागति कृपा निद दया, एक अखर हर मन बस्त, नानक होत निहार, दीन दर्द दुख भंजना, काट काट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक की प्रभ साथ, मूक उचरे शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाए, आंध लखे पतराओ सुने, जाओ काल कृपा कराई, संतां दी चरणां दी मेरे मन तूड़ी हो जाए, संतां दी चरणां दी मेरे मन तूड़ी हो जाए, संतां दी चरणां मेरे मन तूड़ी हो जा, संतां दे चरणां दी मेरे मन तूड़ी हो जा, संतां दे चरणां दी मेरे मन तूड़ी हो जा, संतां दे चरणां दी मेरे मन तूड़ी हो जा, साधु दे चरणां दी मेरे मन तूड़ी, ओ संतां दे चरणां दी मेरे मन तूड़ी हो जा, संतां दे चरणां दी मेरे मन तूड़ी हो जा, संतां दे चरणां दी मेरे मन संतां दे चरणां दी मेरे मन तूड़ी हो जा, संतां दे चरणां दी मेरे मन तूड़ी हो जा, मेरे मन तूड़ी, मेरे मन तूड़ी हो जा, मेरे मन तूड़ी हो जा, मेरे मन तूड़ी, मेरे मन तूड़ी हो जा, मेरे मन तूड़ी हो जा, मेरे मन तूड़ी, मेरे मन तूड़ी हो जा, 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 साधु दे चरणां दी मेरे मन तूड़ी, संतां दे चरणां दी मेरे मन तूड़ी हो जा, संतां दे चरणां दी मेरे मन तूड़ी हो जा, संतां दे चरणां दी मेरे मन तूड़ी हो जा, संतां दे चरणां दी मेरे मन तूड़ी हो जा, संतां दे चरणां दी मेरे मन तूड़ी हो जा, अंतर जामी पुरख विदाते करता मन की पूरे, नानक दास है सुख मांगे, मुख कर संतन की पूरे,
तूड़ी मजन साधखे साई थिए कृपा लदे हवे थोकड़े नानक तन माग मजन संग साधुआ कृष्ण हर का नाम ते आए सुन सपना नो करदान सुन सपना नू करदान
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਆਪ ਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਔਰ ਦੂਜਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰਿੰਗ ਵੱਜੇ, ਟਿਊਨ ਵੱਜੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰੱਬ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ, ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਅਭਿਆਸੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਭਿਆਸੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ, ਤਾਨੇ ਵੈ ਜਾਨੇਨ ਹੋਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੈ ਭੇਤ ਨਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੈ ਛੁਪਾਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਭਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਠਾਗੀ ਹੋਵੇ ਸਿਰੇ ਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਆਪਸ ਕਹੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਘਰ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੜੇ ਸੋਚ ਅੜੇ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ,
एक बारी भी कितने भिज के सतनाम वाहेगुरु ना क्या होवे, पर जे इस घर आया होया नीवा होके आएगा ना कख ना पले होवे निम्रता होई तां वी महाराज अपने गल ला लैणगे। तो जे नेत्रेम करदा है बाणी पढ़दा है अभ्यास करदा है चंगा जप तप है सारे जप तप के नाल दे मन में यह चक्की फिरदा कि मेरे वर्गा अभ्यासी कोई नहीं तो फिर जिहो जिहा आया तो जिहो जिहा ना आया। मैं तुहाडे लागे इत्थे बाबा अमरीक सिंह जी महाराज नानक सर पड़ैण वाले उन्हां दी सेवा दे विच महाराज ने कृपा की थोड़ा समा रहण दा समा मिलिया। मैनू याद है 8-9 साल हो गए महाराज एक बहुत सोहना वचन कीर्तन दे विच बाबा जी सुणाउंदे हुंदे सी कविता रूप विच भी उन्हां ने पढ़ना। कहिंदे कोई रब दा बंदा रब दा भगत महापुरश कोई रब दे घर विच प्रवान होया परमात्मा की दरगाह में चलिया गया रब के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया तो रब पुछता भी चाहिए की है कोई मंग है तेरी अपनी जिंदगी तो मेरे लेखे ला दी है कोई मंग कोई डिमांड कोई इच्छा है तेरी। कहिंदे जी वह संत हाथ जोड़ के कहण लगा जी कृपा करो समझाउण वास्ते एक उदाहरण देण लगा मैं आप जी नूं कहिंदा जी कृपा करो एक पाइया गरीबी दे दिओ। हुण इत्थे गरीबी का भाव यह नहीं भी पाटे कपड़े होणगे पैसा कोल नहीं होएगा माया कोल नहीं होएगी फिर ही गरीब है वह गरीबी होर हुंदी है। इत्थे गरीबी तो भाव है निम्रता दे दिओ। कहिंदा जी एक पाइया निम्रता भाव गरीबी दे दिओ ते कहिंदे परमात्मा कहण लगा भलिया मानसा होर कुछ मंग लैंदा मैं दे भी दिंदा पर मैं तैनू एक पाइया निम्रता गरीबी नहीं दे सकदा। कहिंदे क्यों? कहिंदे रब कहण लगा मेरे कोल एक किलो गरीबी सी एक किलो निम्रता सी समझाउण दा ढंग है महापुरशां दा। कहिंदे अच्छा जी फिर कहिंदे एक किलो विचों तीन पाइए तां गुरु नानक लै गया तैनू कित्थों देवां आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। एक पाइया बचिया मेरे कोल इहदे विचों भी बाकी अपने साधुआं संतां महापुरशां नूं मंडणा मैं तीन पाइए तां गुरु नानक लै गया। इहदा भाव की है? भी गुरु नानक दे घर दे विच निम्रता पहले नंबर ते है। आपां भाई गुरदास जी दे कोलों इस गल की गवाही लईए तां महाराज भाई गुरदास साहब कहिंदे ने बाबा पहिंदा सच खंड नौ नित नाम गरीबी पाई। परमात्मा दे घर विचों गुरु नानक साहब तीन चीज़ां लै के आए जदों सच खंड गए ने। किहड़ियां तीन चीज़ां? नौ निधियां रब दा नाम ते गरीबी तो भाव निम्रता आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये तीन दाता महाराज लैके आए सिखां दे वास्ते। ते जिहड़ा सिख बनना चाहुंदा जिहड़ा गुरु साहब जी दी कृपा लैणी चाहुंदा है जिहड़ा चाहुंदा है सच्चे पातशाह मेरे ते बख्शिश कर देण मैनू अपनी गोदी दा आनंद बख्श देण अपने चरणां नाल जोड़ लैण ये गल पल्ले बन्न लिओ। जे गुरु नानक दी खुशी लैणी है तां मन विच निम्रता तार लिओ निम्रता लैके आयो। इत्थे बन के ना कोई आए इत्थे चढ़ के ना कोई आवे जिहड़ा चढ़ के आएगा वह खत्म होएगा जिहड़ा नीवा होके आएगा सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जे आवे आस कर जाहे निरासे कित फल फिके फुल बक बके कामना आवे पत मिठत नीमी नानका गुण। महाराज की बाणी का वचन है गज के पढ़ियो सारे धारना जिन्हें सिंह बैठे हो पिछे जथे वाले सिंह जां बाकी सारे बोलियो ते तीजे हिस्से सारिया बीबियां भी गज वज के धारना च बोलियो। मैं तीजे हिस्से साज रोक के सुनना है सारिया का आप जी का कीर्तन करियो कृपा सारे जी। फल नीवियां मिठे लग दे उच्चा हो के मान ना करी फरनी में आ उच्चा हो के मान ना करी फरनी में आ दुखानू मिठे लग दे उच्चा हो के मान ना करी फरनी में आ दुखानू मिठे लग दे चाहो के मान ना करी बड़ो फाड़नी में आ जी उच्चा हो के पैणा हाँ फाड़नी में आ दुखानू
दे उच्चा हो के मान ना करी पानी कहती जी उच्चा हो के मान ना सात गुर कहते उच्चा हो के मान ना करी पानी कहती उच्चा हो के मान ना करी सतगुर कहते उच्चा हो के मान ना करी पढ़ो कहती उच्चा हो के वाणी कहती उच्चा हो के मान ना करी फाड़नी में आप खानू मिठे खानू मिठे लग दे उच्चा हो के मान ना नीवे आप खानू मिठे लग दे उच्चा हो के मान ना करी फाड़नी में आप खानू मिठे लग दे उच्चा हो के मान ना करी फाड़नी उच्चा हो के मान ना करी फल नीम खानू दे उच्चा हो के मान ना करी धन गुरु नानक साहब जी के घर में निम्रता प्रदान है आओ महापुरशां ने जप तप समागम रखे है आप सारिया ने गुरबाणी दियां पंक्तियां सरवण कीतियां माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान सारे महीने पवित्र ने सारा साल पवित्र है कोई दिन माड़ा नहीं है पर माघ दे महीने सच्चे पातशाह विशेष करके अपने सिख नूं वचन करदे ने भी जे किसी की संगत करनी है दान पुन करना तो रब दे रंगे हुए महापुरशां दी करी जे चरण धूड़ लैनी है तो रब दे प्यारियां दी लई उहदा कारण की है जी क्यों महाराज ने गल आखी सुखमनी साहब जी की बाणी का जाप नानक सर दे विच तां जिन्ना कह लिए उन्ना ही थोड़ा है बेअंत जाप हुंदा आप सारियां नूं गुरबाणी दियां दो पंगतियां तां जरूर याद होणगियां जिन्हां नूं याद है जरूर बोलियो महाराज का यह वचन करन दा भाव की है इहदा कारण की है साधुआं की संगत महापुरशां की संगत करनी क्यों है ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੂਲੋਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 90-95% ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤਾਂ ਅਰਥ ਜੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ
राम नाम मिलेगा कितों संतन घर पाया आखो सतना श्री वाहे ओ रब दे बंदियां दे कोलों वड्याई करन वालियां दे कोलों बंदगी करन वालियां दे कोलों प्राप्त होएगा किसे फकर फकीर दी साधु दी संगत करन नाल प्राप्त होएगा जिहड़ा सौदा लैण वास्ते संसार विच आपां सारे आए सी ते एहो जे महापुरशां दी संगत कीतियां उहनां दी धूड़ी विच इशनान कीतियां महाराज कहिंदे ने माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान हर का नाम ध्याए सुन दो काम करने ने इस महीने च सच्चे पातशाह के नाम सिख ने सदा ही जपना है यह नहीं कि इस महीने में ही जपना है पर इस महीने के बाबत महाराज कहिंदे ने हर का नाम ध्याए उन्हों ध्या ते ध्याण दे नाल नाल सुन हर का नाम ध्याए सुन सबना नो कर दान जिहड़ा नाम जपेगा जिन्हों जपन लगा सुनेगा वह कमाई नू मुड़ के होरां दे विच वंड भी आप जपे अवरह नाम जपा ते जिन्हां ने सुनिया है सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने धरत धवल आकाश जिन्हां ने सुन लिया महाराज कहिंदे वह पीर बन गए वह नाथ बन गए वह सिद्ध बन गए सुनन दे नाल ही ते सुनन तो बाद विच अगलियां पौड़ियां आउंदियां ने मन्ने की गत कहीं ना जाए सब तो पहला सुनना जरूरी है सुनन तो बाद विच उन्हूं मन लो जो गुरु कहिंदा है उन्हों मन लेना चाहिदा है सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बानी गाव्या सुनिया तिनका हर थाई पावे जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी ते जिन्हां ने मन लिया सच्चे पातशाह उन्हां बाबत कहिंदे ने जी गात कही ना जावे जी जिन्हां ने मन्या जिन्हां ने मन्या कही ना जावे जी जिन्हां ने मन्या जिन्हां ने मन्या गल कही ना जावे जी जिन्हां ने मन्या जिन्हां ने मन्या गल कही ना जावे जी जिन्हां ने मन्या जिन्हां ने कही ना जावे ने मन्या गल कही ना जावे जी जिन्ना ने मन्या जिन्ना ने मन्या हाँ मन्या जिन्ना ने मन्या प्यारे मन्या जिन्ना ने मन्या मन्या जिन्ना ने मन्या प्यारे मन्या जिन्ना ने मन्या मन्या जिन्ना ने मन्या प्यारे मन्या जिन्ना ने मन्या मन्या जिन्ना ने मन्या मन्या जिन्ना ने गल कही ना जावे जी जिन्ना ने मन्या जिन्ना ने मन्या गल कही ना जावे जी जिन्ना ने मन्या जिन्ना ने मन्या मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे पिछे पछताए सच्चे पातशाह जे तुहाडा वचन मन के असी साधुआं संतां महापुरशां दी धूड़ी विच इशनान करिए उन्हां दी संगत विच रहिए रब दे नाम नूं जप लईए अके दान भी करिए सच्चे पातशाह फिर मिलेगा की ते महाराज कहिंदे ने माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान हर का नाम ध्याए सुन सभना नूं कर दान जन्म करम मल उतरे मन ते जाए गुमान जिहड़ी जन्मां जन्मां दी मैल लगी हुई है कर्मां दी जन्म जन्म की इस मन को मद लागी काला हुआ स्याह हो एक नहीं दो नहीं मारे कहिंदे गिणती कोई नहीं है कई जन्म भए कीट पतंगा कई जन्म गज मीन करंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो कोई हिसाब किताब ही नहीं है जन्म कर्म मल उतरे जिहड़ी जन्मां जन्मां दी कर्मां दी मैल लगी हुई है वह खत्म हो जाएगी ते मिलेगा की सच्चे पातशाह कहिंदे मन ते जाए गुमान तेरे मन विचों जिहड़ा ये हंकार है जिहड़ा अपने आप नू किसी हस्ती वास्ते मनण वास्ते मन तेनू मजबूर करदा ना कि मैं होर हाँ रब होर है मारे कहिंदे ये हंकार खत्म हो जाएगा ते याद रखियो
आपां विचार आरंभ इत्थों कीती है। गुरु नानक दे घर विच निम्रता प्रवान है, निम्रता वाला प्रवान है, ते निम्रता दा ते हंकार दा कोई मेल नहीं है। इत्थे वड्डे वड्डे कामी बख्शे जांदे हन, क्रोधी बख्शे जांदे हन, लोभी बख्शे जाणगे, निंदक बख्शे जाणगे, पर हंकारी नहीं बख्शिया जाता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हंकारी नूं इस घर विच कोई थां नहीं है। लो धारना मेरे याद आ गई, साडी अपनी रचना है। लो पढ़ियो सारे, बंदे दा सारा जिहड़ा जीवन है, जिंदगी आ ना, ऐसे काम विच निकल जाती है। ओ मेरी मेरी कर देदा तेरा जन्म बीत गया सारा, मेरी कर देदा तेरा जन्म बीत गया सारा, मेरी मेरी कर देदा तेरा जन्म बीत गया सारा, मेरी मेरी कर देदा तेरा जन्म बीत गया सारा, मेरी मेरी कर देदा तेरा जन्म बीत गया सारा, ओ जन्म बीत गया सारा, जन्म बीत गया तेरा, जन्म बीत गया सारा, जन्म बीत गया सारा, बोलो जन्म बीत गया सारा, 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 मेरी मेरी कर देदा तेरा जन्म बीत गया सारा, तेरी कर देदा तेरा जन्म बीत गया सारा, मेरी मेरी कर देदा तेरा जन्म बीत गया सारा, मेरी मेरी कर देदा तेरा जन्म बीत गया सारा, मेरी कर देदा तेरा जन्म बीत गया सारा, मेरी मेरी कर देदा तेरा जन्म बीत गया सारा, मेरी मेरी कर देदा तेरा जन्म बीत गया सारा, भुल मौत अपनी नूं मनावे कर लिया जन्म खुआरा। ये भुल गया भी कितें अगे जा के हिसाब किताब भी देना है, किसी ने मेरे को लेखा भी मंगना है, खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। बंदे नूं मारे कहिंदे बाकी सारा कुछ याद है, खाण दा पता है, पीण दा पता है, पहनण दा पता है, धियां पुत्तां नूं किवें पालना पोसना सारा पता है, पर यह भुल गया भी इत्थों किसे दिन सदा आए तो जाना भी पैणा है। इस गल दी सोझी महापुरशां दी संगत कीतियां मिलदी है। लो समा सीमित है, साधु सतपुरश महापुरश की संगत कीती की असर रखती है, साधु सतपुरश के बोलां विच किन्ना क वजन हुंदा है, किन्नी क ताकत हुंदी है। इहदे बावजूद आपां छोटी जी इतिहास की घटना एक सारे जाने विचारीए। औरंगजेब बादशाह दे समें एक फकीर होया जी, उहदा नाम सी सरमद, सरमद फकीर। श्रीमान संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले बहुत प्यार नाल यह प्रसंग सुनाया करते सी सरमद फकीर का। सरमद फकीर साध संगत जी हिंदुआं दा लड़का सी, हिंदू परिवार विच जन्म लिया सी। इसने किसी ने चेटक ला दित्ती, किसी साधु सतपुरश दा संग हो गया, रंगे होए दा संग हो गया। बचपन दे विच विराग लग गया, किसी ने समझा दिता भी ये जिहड़ी जिंदगी है ये संसार के भोगों में खचत होने वास्ते नहीं मिली, संसार के विषय विकार भोगण वास्ते नहीं मिली, इहदा हिसाब किताब होएगा अगे। किसी फकीर ने चेटक ला दिती, हिंदुआं दा लड़का सी पर जिहदा संग होया वह एक फकीर सी मुसलमान। वैराग लग गया, दिन रात सरमद फकीर उस मुसलमान फकीर दे कोलों उपदेश लैके उहदी कमाई करन लग पिया। ते एहो जिहा समा कहिंदे सरमद फकीर ते आ गया, भावें हिंदुआं दा लड़का सी
पर बाद विच उहदी गिणती मुसलमान फकीरां दे विच होण लग पई। ते इह गल याद रखियो सारे, संसार दा धर्म कोई माड़ा नहीं है, ना हिंदू धर्म माड़ा है, ना मुसलमान माड़े ने, ना सिख माड़े, ना जैनी ना बोधी, कोई माड़ा नहीं है। संसार दे हर धर्म दे विच रब नूं ही मिलण दी गल होई है। बंदे नूं किवें परमात्मा तक पहुँचाया जावे, किवें इहदा जिहड़ी कूड दी कंध बणी होई है, किव सजारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल, इह कंध किवें ढह जावे, सारे धर्म इसे गल ते जोर दिंदे ने। निशाना सारिआं दा इक्को ही है, टिकाणा सारिआं दा इक्को ही है। असीं हुण भरोवाल इत्थे ठाठ ते आए हाँ, कोई इधर भूंदड़ी वल दी आ गया, कोई उधर दूजे पासे दी पड़ैण वाले पासे दी आ गया, आउणा ते इत्थे सी ना। टाणियां वक्खो वक्खरियां हो सकदियां ने, पर जड़ जड़ सारिआं दी परमात्मा इक्को ही है। इत्थे ते मारे दे घर दा उपदेश है, मानुस की जात सभै एक है पहचान वो, अबल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। सरमत फकीर ने इन्नी कमाई कीती, कहिंदे उस बख्शिश कीते हुए उपदेश दी, नाम दी कमाई इन्नी कीती, जिहड़ी भगत कबीर साहब अपनी बाणी दे विच दसदे नहीं अवस्था अपनी, नाम जपण वाला किथे पहुँच जांदा है, वह अवस्था सरमद फकीर दी बन गई। लो गुरबाणी दी पंक्ति है, पढ़ियो सारे प्यार ना, सरमद फकीर किथे पहुँच गया गज के। जानी जानी रे राजा राम की कहानी, 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 हाँ जानी जानी रे राम की, जानी जानी रे राजा राम की कहानी, जानी जानी रे राजा राम की कहानी, जानी जानी रे राजा राम की कहानी। जानी जानी रे राजा राम की कहानी, जानी जानी रे राजा राम की कहानी। ये अवस्था ते पहुँच गया सरमद फकीर, रब दे नाल सिधियां गल्लां होण लग पई। ते साध संगत जी इहदे कोल एक बच्चे ना बड़ा प्यार करदा सी सरमद फकीर, होर किसी नूं बहुता अपने लाके नहीं सी आउण दिंदा, जे किसी ने कोई फरियाद लै के आउणी, कोई इच्छा लै के आउणी, दूरों ही भजा देना, कौड़े बचन भी बोल देने। ते साध संगत ते बच्चे नूं बड़ा प्यार करदा सी, अपने नाल नाल रखना सदा, उहदे घरदिआं ने हटाउणा, वार वार रोकणा भी तूं उह फकीर दे कोल जा जा के बैठदा, तैनूं उत्थों की मिलेगा। ते उह ते आप कपड़े नहीं पहनदा सरमद फकीर, दिगंबर अवस्था विच रहिंदा सी, वस्त्र नहीं सी पाउंदा, नगन फिरत रंग एक कै उह सोभा पाए। रब दे बंदे जदों अपनी किसी अवस्था तक पहुँच जाते हैं, यह अवस्था भी बन जाती है, भावें तर्कां बहुत अज इस गल ते हुंदियां ने इदां नहीं हो सकती, उस अवस्था तक भी पहुँच जाते ने जिथे जाके शरीर की शुद्ध बोधि नहीं रही। आखो साधना श्री वाहिगुरु, शरीर का चेता ही भुल जाता है। दिगंबर रहिंदा सी, वस्त्र नहीं सी पाउंदा, वो बच्चे नू बहुत रोकना उहदे घरदिआं ने भी, तू उहदे कोल जाना की लै के आएगा, उहदे कोल उह तैनू की दे देण लगा है। याद रखियो ये अपने घर का हालात भी है सारिआं दा, किसी का बच्चा नाम जपण लग जाए ना, पाठ करन लग जावे, माला फिरन लग जावे, गुरुद्वारे जाण लग जावे, ते साडे लोकी कहणगे घर जा के भी तुहाडे तां मां दी कुख सफली होगी, तुहाडा बच्चा गुरुद्वारे जांदा बाणी पढ़दा है। ते जे आपदा पुत कहे मैं गुरुद्वारे जाके पाठ करना सवेरे शाम, स्पीकर च रहिदा साहब दा पाठ करिया करूँ, कहणगे तेरा दिमाग खराब, तू साध बणदा, भी दूजे की मां की कुख सफली होगी भी सीधे पासे लग गया, जे अपना बच्चा कहे कहणगे ये नहीं, इदां नहीं हो सकदी। साढ़े मन में यह भाव है सारिया के, माफ करियो गल थोड़ी जी कौड़ी है, सारिया नहीं मैं कहता, पर बहुत बहुतात लोगों की यह सोच है भी जेड़े पाठ करने वाले बाणी पढ़ने वाले वह है जिन्होंने घरों रोटी नहीं मिलती। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु,
जिन्हां नूं कोई होर काम नहीं लभदा कहिंदे इस पासे हो जांदे, नहीं इस पासे नूं ओह हुंदा जिन्हों खसम बाँह तों फड़ के लाउंदा है। बाँह पकर जिस मार्ग पाव हो सो तुद जंत मिलास, जेते कृपा करके अपनी गोदी विच बिठा लवे। हरक दे वस दी खेड़ नहीं है, आओ समय दे विच रह के समाप्ति करन दा जतन करा मैं। वह बच्चे की शादी का दिन आ गया जी, हुण एक फकर दी एक साधु की संगत की किन्ना प्रभाव है, की फल है। जिहड़ा मर्द ने आख्या माघ मजन संघ साधुआं धूड़ी कर इशनान, जिहड़ा उहदे दी संगत विच रहिंदा फिर उहदी बाँह किवें फड़दे ने उह। वो बच्चे की छाती का दिन आ गया तो घर दे कहिंदे ने जा बई सारी उम्र कोई काम नहीं किया वो फकर दे पिछे पिछे फिरदा रहा, तू उहदे कोल जा ते जाके हुण तेरा विआह करना तेरी शादी करनी, उहदे को माया लैके आ। 10,000 रुपया मंगिया परिवार ने, कहिंदे वो अपने साध नूं कहि हुण जाके तेरा कारज सारे। वह बेपरवाह मस्त साधु सी रब दे रंग विच रंगिया रहण वाला। ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਰਮਤ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਮਤ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣਦ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਫੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸਰਮਤ ਫਕੀਰ, ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ, ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਇਹ ਦਿਗੰਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਫਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਮਤ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕਰਾ ਫਕੀਰਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਨੂੰ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਨ। ਸਰਮਤ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਢੱਕੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਢੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਹੂੰ ਜਾਨੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੈ ਜਾ ਕੋ ਪਾਕ ਸਵਾਮੀ, ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਜੀ। ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਜੀ, ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਦੇ, ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ, ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ, ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ, ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ, ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ 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 ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਜੀ, ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਦੇ, ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ, ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਦੇ, ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ, ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਦੇ, ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
सरमत फकीर नूं इह बच्चा कहण लगा जी मेरे माँ प्यो कहिंदे ने सारी उम्र वह साध दे पिछे ला दित्ती फकर दे पिछे ला दित्ती है तैं जा उहदे कोल 10,000 रुपया लैके आ। कहिंदे बस इन्नी गल? हाँ महाराज यही मंग है। सरमत फकीर अपनी मौज विच उठिया मस्ती विच उठिया लागे ना जी छोटे छोटे तीले पै सी लकड़ दे डके कह लो चार पंज तीले लै ते आपो अपने इलाके की बोली होंगी साढ़े इलाके च डेक कह देंगे ने तुहाडे इलाके शायद तरीक कहिंदे ने तरीक दियां डकोनणा लै लईआं। वह डके जड़े सी डकोनणा विच ला के ना जी सूत लै के लपेट दिता एक मंजा जिहा बनाता छोटा जिहा छोटी जी मंजी जी बनाती ते बना के सरमत फकीर कहिंदा लै इदां कर पुत आ लै जा बाजार विच जाके होका दे दे। कहिंदे की होका देवां? ते सरमत फकीर कहिंदा भी आ होका दे सारिआं नूं। लो पढ़ो आखरी धारना फिर समाप्ति आलू नाले आईए समा हो गया। सरमत फकीर कहिंदा है जी ताकत दिल्ली दा वेखदा इहनूं लै जो कोई खरीद के तख्त दिल्ली दा विकदा इहनू लै जो कोई खरीद के तख्त दिल्ली दा विकदा तख्त दिल्ली दा विकदा लै जो कोई खरीद के तख्त दिल्ली दा विकदा इहनू लै जो कोई खरीद के तख्त दिल्ली दा विकदा इहनू लै जो कोई खरीद के तख्त दिल्ली दा विकदा इहनू लै जो कोई खरीद के दिल्ली दा विकदा इहनू लै जो कोई खरीद के तख्त दिल्ली दा विकदा इहनू लै जो कोई खरीद के सरमत फकीर कहण लगा जा पुत्रा दिल्ली शहर दे विच होका दे दे जाके इहनू हथ ते रख ला जिहड़ा छोटा जिहा बनाया सी मंजा जिहा। कहिंदे शहर विच जाके होका दे दे वे दिल्ली दा तख्त विकदा जे किसी ने लैना होवे तां 10,000 दे के लै सकदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। औरंगजेब बादशाह दे कोल खबर पहुँच गई वजीर नूं लग गया पता। औरंगजेब बादशाह सरमत फकीर की आजमत नूं जाणदा सी उहनूं पता सी इहदे बोलां विच किन्नी पावर है जो ये कहिंदा है वह सच होएगा जरूर। उन्होंने वजीर ने आख्या जाके तेरा तख्त वेच देन लगा सरमत फकीर जे बचा सकदा तां बचा ला। कहिंदे कहिंदा की है जिहड़ा वेचण वाला है? कहिंदे ओह कहिंदा भी जे किसी ने लैणा होवे तां 10,000 मोहरां दे के तख्त लै लवे। जिहड़ा 10,000 मोहरां देगा दिल्ली दा तख्त उहदा हो जाएगा भाव उहदा राज हिंदुस्तान ते हो जाएगा। रब दे बंदे तां इदां बादशाहियां वंडदे फिरदे ने। ते औरंगजेब बादशाह नूं फिकर पै गया अपने वजीर नूं कहिंदा जा ओए जे किसी ने 10,000 देता तो मेरा तख्त जांदा लगना है। अपने खजाने विचों 10,000 मोहरां वह बच्चे नूं दे दे वह मुंडे नूं दे दे उहदे कोल तख्त खरीद लिया।
भाई नंद लाल नूं किसे ने बहुत सोहना सवाल किया। कहण लगा औरंगजेब बादशाह दे दरबार विच ते गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार विच फर्क की है? दरबार ते औरंगजेब बादशाह भी ला के बैठदा है ते दरबार गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी राजा महाराजा नूं ला के बैठदे ने। बैठदे हुंदे सी ये ना कदे क्या करो ना ना मारे ते अज भी बैठे ने। वड्डा तेरा दरबार सचा तुर तख्त सिर शाह पातशाह नेह चल चौर शाह ओदे जिहड़ा जिहड़ा चौर है जिहड़ा शतर है नेह चल है कोई उहनूं चला नहीं सकदा खत्म नहीं कर सकदा है वह सदा है सदा रहण वाला तख्त है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दरबार विच ते तेरे दरबार औरंगजेब बादशाह दे दरबार विच फर्क की है? ते नंद लाल ने आख्या औरंगजेब बादशाह दे दरबार विच मैं वड्डे वड्डे राजे भी मंगदे वेखे। अच्छा कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार विच कहिंदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दरबार विच मंगते भी बादशाहियां वंडदे फिरदे ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू ये फर्क है गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार विच ते औरंगजेब बादशाह दे दरबार विच। उहदे दरबार विच जाके राजे भीख मंगदे ने मंगदे वेखे वड्डे वड्डे राजे मैं पर गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार दे विच तां बड़े बड़े मंगते जिहड़े ने उह वी बादशाहियां गलियां च वंडदे फिरदे ने। इहो जिहे अजमत वाले फकीर होए ने। औरंगजेब बादशाह ने 10,000 सोने दियां मोहरां दे के दिल्ली का तख्त अपना बचाया। यह है साधुआं संतां की कमाई उन्हां दी करनी सरमद फकीर की कमाई का सदका बरकत का सदका। लो इतिहास बहुत लंबेरा है सरमद फकीर ना अगे की होया की बीतिया किवें उन्हों शहीद किया गया। औरंगजेब बादशाह ने अपने कौम के फकीर फकर भी नहीं छड़े सन। ये तो बहुत लंबेरा इतिहास कदे फिर विचार करांगे इन्नी विचार करके आप समाप्ति करिए। रब के बंदियां दी संगत इहोजा असर रखदी बड़िया बड़िया बादशाहियां नूं अपने चरणों की मिट्टी च रोल के रख देने रब के बंदे फकीर साधु संत। लो आखिरी धारना केसां का कर चबर टलावा चरण धूड़ मुख लाई आओ इन्हें सेवा करियो प्रवान। बोलदियां कोलों बेअंत प्रकार दियां भुलां चुकां हो गईयां होणगियां अणजाण बच्चे जाण के खिमा करियो सच्चे पातशाह तुहाडी सब दी हाजरी अपने चरणां च प्रवान करन। चलिया होया कदम कदम देखे विच लाउण धन्नवाद श्री मान संत बाबा अजमेर सिंह जी महापुरशां दा धन्नवाद भाई सरबजीत सिंह जी होणां दा धन्नवाद भाई गुरमीत सिंह होणां दा ते सब तों वध धन्नवाद धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का। यह लोग सुखिए परलोक सहेले नानक हर प्रभ आपे हमेले नानक नाम चढ़दी कला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।